हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है टू जेड टीचमैन। दोस्तों, चैनल पे पहली बार आए हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन दबाकर चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे होगा कि सारे के सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहेगा। तो चलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आपको फिर से सिखाने वाला हूँ प्रतिस्थापन विधि से हल कैसे किया जाता है। ओके दोस्तों, अब यहाँ देखिए, यहाँ एक रैखिक समीकरण का युग्म है, ठीक है। तो इसे आपको मैं दिखाऊंगा कि प्रतिस्थापन विधि से इसको कैसे हल करते हैं। तो क्या है क्वेश्चन दोस्तों, 7x-15y = 2 और सेकेंड जो समीकरण है x+2y = 3। ओके, तो क्या करेंगे, इसको समीकरण एक मानेंगे और सेकेंड वाले को समीकरण दो मानेंगे। तो समीकरण इसको एक मान लिए, राइट, रोमन अक्षर में, और इसको समीकरण दो मान लिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे। अब देखिए, ये थोड़ा देखने में आपको क्या लग रहा है, ये थोड़ा हार्ड दिख रहा है और ये क्या है, सेकंड जो है आपको सिंपल दिख रहा है। तो हम समीकरण सेकंड वाले को लेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण दो से, क्या लिखेंगे, समीकरण ओके दो से, ओके। अब दो क्या है दोस्तों, ये x+2y = 3 है, ओके, यही है ना। अब क्या करेंगे, इसको एक्स पद में ज्ञात करना है, मतलब इस साइड लेफ्ट में ओनली एक्स रखना है और जो भी है उसको वाई पक्ष में भेजेंगे, मतलब राइट पक्ष में भेजेंगे, ओके। तो क्या करेंगे, इधर एक्स रखेंगे, राइट, और बराबर को ये 2y जो है बराबर को इस साइड लिखा जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, ये 3 और प्लस इधर 2y है तो इस साइड जाएगा, तो -2y, ओके। अब इसको हम कर देंगे समीकरण 3, ओके। अब क्या करेंगे, x को जो मान आ गया है 3-2y आ गया है, तो ये जो 3 जो समीकरण बनाए हैं, समीकरण 2 से बनाए हैं, इसको छोड़ दिए थे। अब क्या करेंगे, ये x के मान समीकरण 1 में रख देंगे, जो कि इस प्रकार है 7x-15y = 2 है। तो यहाँ लिखेंगे x का मान, क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे x के मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, ओके। तो चलिए लिखते हैं। तो ओके दोस्तों, मैंने यहाँ लिख दिया x के मान समीकरण 1 में रखने पर। दोस्तों, समीकरण 1 क्या है, 7x-15y = 2, ओके। अब क्या करेंगे, ये जो x है इसके जगह में 3-2y लिखेंगे, ओके, 3-2y। तो यहाँ हो गया आपका, ये x का मान क्या करेंगे, ये 7 है और x के जगह क्या हो गया, 3-2y, ओके, और ये -15y, समझ गए ना, बराबर 2। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। तो आप इसको सॉल्यूशन कीजिए, तो 7 × 21, ओके, और प्लस माइनस माइनस, 7 × 14 y, यहाँ हो गया आपका -15y, और यहाँ हो गया आपका 2, समझ गया ना। अब यहाँ देखिए, 14 और 15 को जोड़ देंगे तो कितना हो गया, या 21 इधर ही रहेगा और 14 और 15 को जोड़ देंगे तो कितना हो गया, माइनस 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 रहेगा, तो ये होगा आपका 29y और बराबर 2, ओके। या इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, अब ये जो है 29y, समझ गया ना, क्या है 29y बराबर, अब इसको ये जो है ना, ये जो 21 है इसको इस साइड लिखाइए, तो ये 2 इधर ही रहेगा और -21 हो जाए, समझ गया ना। तो इसी तरह से आपको क्या, 29y - 29y, अब घट करके कितना आ गया, 21 में से जब 21 में से 2 जाएगा तो कितना हो गया, 19, और इसका माइनस चिन्ह है तो माइनस लगाएंगे, समझ गए। अब यहाँ 29y × y है तो क्या करेंगे, 29 को इस साइड लिखाएंगे, अभी गुणा के रूप में है तो इस साइड भाग के रूप में आ जाएगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा, -19/-29, माइनस माइनस कट गया तो कितना आ गया, 19/29 आ गया, राइट, y का मान, समझ गए ना, क्या आ गया, y = 19/29 आ गया। अब क्या करेंगे, y को मान, अब जो समीकरण 3 जो बनाए थे, समीकरण 3 क्या है, यहाँ x के y के जगह आप क्या करेंगे, y का मान रख लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे नीचे में, y का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर। ओके दोस्तों, मैंने यहाँ लिख दिया y का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर। 3 क्या है दोस्तों, समीकरण 3 जो है x = 3-2y है। अब क्या करेंगे, y को मान यहाँ पुट करना है, तो y का मान क्या है, 19/29 है, तो क्या हो जाएगा आपको, ओके, क्या हो जाएगा,
एक्स बराबर जो होगा 3 माइनस वाई का जगह क्या हो जाएगा 19/29, समझ गए ना, 19/29 ये क्या हो गया आपका गुना, समझ गए। चलिए इसको सॉल्यूशन कीजिए, ये हो गया आपका 3 माइनस, अब देखिए 19 दुना कितना हो गया, 19 दुना 38, समझ गए ना, 19 दुना 38 हो जाएगा। ओके दोस्तों, अब इसको 2 को 19 में गुना कर देंगे तो कितना हो गया 19 दुना 38, 38/29। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, 3/1 है तो इसका एलसीएम लिए तो कितना हो गया 29, अब जब 1 को 29 में भाग करेंगे तो 29 आएगा, तो 29 को 3 से गुना कर देंगे तो कितना हो गया 29 3 कितना हो गया 29 3 87 हो गया, तो 87 लिखेंगे और माइनस 38। ओके, इसको घटा के जो भी आएगा उसको लिखेंगे, तो 7 में से 8 गया तो कितना हो गया 17 में से 8 गया तो 9 हो गया, ये हो गया आपको 7 7 में से 3 गया तो 4, तो हो गया 49/29, समझ गए ना। आप यहाँ लिख सकते हैं इसीलिए x बराबर जो आया है 49/29 और y का जो माना आया है, ओके y का मान क्या आया अभी जो फिलहाल, इससे पहले जो आया था y का मान क्या था 19/29, तो यहाँ लिखेंगे 19/29, समझ गए, यही हो गया आपका आंसर। ओके तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो कर दीजिए लाइक, यदि किसी भी प्रकार का कन्फ्यूज़न है तो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब। ओके तो फिर से देख लीजिए इसको, ठीक है, इसको फिर से देख लीजिए, राइट, आप अपने कॉपी पे नोट कर लीजिए इसको। ओके चलिए, आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।